मेरा कैमरा किस तरफ है? हाउ डू आई नो व्हिच कैमरा एम आई एट? बट यू नेवर नीड टू लुक एट द कैमरा. नहीं मतलब मैं पूछ रहा हूं फिर भी कहां है यार लोकेशन? हां या ओके. देख अमित, अगर बिड वॉर हो रही होगी ना तो बाहर बैठ जाइयो. मेरा कैमरा कौन सा है? लाइट ऑन करना. थैंक यू. हां मेरा कौन सा है भाई? तुम्हारा लगाया नहीं आज. शुरू करो. गुड टू गो रोल. सनी, पता है बचपन में नानी क्या बोलती थी? क्या? संयम, चेहरे पे थोड़ा मुल्तानी मिट्टी लगा ले, टैन निकल जाएगा. सिर पे नारियल का तेल लगा, बाल झाड़ू की तरह हो गए. भाई ये सब पुरानी बातें. आज के डॉक्टर कहते हैं बिना सनस्क्रीन लगाया हुआ घर से बाहर मत निकलो और बालों के लिए मिनोक्सीकर लगाना बिल्कुल भी मत भूलो. अच्छा तो बस नानी ऐसे यूं ही टाइम पास करती थी क्या? इमोशनल मत हो जा यार. चल एक काम करते हैं, नानी के नुस्खे और डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन को मिला के कुछ बनाते. शार्क्स इंट्रोड्यूसिंग घर सोप. मेरा नाम संयम है, मैं 21 साल का हूँ. और मेरा नाम सनी जैन, 28 साल का, पूना से. और हम एक को फाउंडर्स ऑफ घर सोप. शार्क्स घर सोप एक ऐसा यूनिक स्किन केयर ब्रांड है जिसके प्रोडक्ट्स में एक्टिव केमिकल्स जैसे सैलिसिलिक एसिड, नायासिनमाइड और आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट जैसे हल्दी केसर का यूनिक फ्यूजन है. हमारे पास स्किन केयर, बॉडी केयर, हेयर केयर जैसे काफी प्रोडक्ट्स हैं जो आप हमारे वेबसाइट और बाकी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से भी आप खरीद सकते हो. शार्क्स हमारा विजन ये है कि हम प्राचीन आयुर्वेद और मॉडर्न साइंस का फ्यूजन को पूरी दुनिया तक लेके जाए. और हमारी आज के 60 लाख पर 2% ऑफ इक्विटी. आप दोनों क्या भाई हो? भाई. तो आप दोनों कैसे मिले? सॉरी. कैसी बातें कर रहे हो भाई? एक्चुअली इसका बड़ा स्टोरी है. हाँ? इसकी स्टोरी है? अरे बाप, बताइए बताइए. एक्चुअली हम दोनों एक्चुअली स्टेप ब्रदर्स हैं. अच्छा. एंड वी मेट आफ्टर ऑलमोस्ट 10 to 12 years बैक. क्या बात कर रहे हैं यार? सर एक्चुअली फर्स्ट इनकी जो मॉम थी और इनकी मॉम की डेथ अर्ली हो गई थी. फिर जो इनके डैड, जो मेरे भी डैड थे, फिर हमारे डैड, इनके डैड ने मेरी मॉम से शादी की थी. फिर 5-6 साल के बाद उनकी भी डेथ हो गई थी. फिर मेरी मॉम ने फिर से और एक जो मेरे करंट डैड है, स्टेप डैड, उनका फिर से हुआ था. और फिर मैं वहाँ से ग्रोन अप हुआ. और मेरे को मेरे अंकल आंट जो थे, जो मेरे डैड के बड़े भाई, वो लोग ने मेरे को बड़े किया. ओके. अच्छा अच्छा. फिर वो मेरे को स्टडीज के लिए हैदराबाद, बैंगलोर, फिर मेरे को पुणे में भी हेल्प किया, सपोर्ट करा और सेटल भी कराया. वेरी नाइस. फिर उधर से हम दोनों मिले पुणे में एक दिन अचानक. उनकी मॉम आई थी और ए भी आया था. एक्चुअली हम एक फैमिली कजिन शादी के में आए थे तो मेरे को पुणे बहुत अच्छा लगा. मेरे को पता है कि यार मेरे को 12th पास नहीं होना. अच्छा, आपको पता था आप पास नहीं करोगे? 11th तक मैं टॉपर था और 12th में IIT के प्रिपरेशन में वो होता था. तो मैंने सोचा मेरे को जाना नहीं है इसमें. तो फिर मैंने जानबूझ के एग्जाम फेल कर दिया और मैंने बोला कि घर वालों को कि पुणे में मेरा डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है, मैं 4 महीने के लिए जा रहा हूँ. 11th में कितने मार्क्स थे आपके? 98%. IIT का तैयार करते करते आपको लगा रहे तो बहुत ज्यादा है, मैंने मेरे को नहीं करना है, क्या हुआ ये? नहीं सर, मुझे इसमें मजा आ रहा था और मुझे पता है यार कि मैं इसके लिए बना. नहीं, बट जितना भी मजा आए एक लाइफ में, एजुकेशन कंप्लीट करनी तो जरूरी होती है ना, बेसिक एजुकेशन. कॉलेज आप फिर भी समझ सकते हो, बट 12वीं पास नहीं करना तो थोड़ा मेरे को लग रहा है थोड़ा इरेटिसिज्म, पागलपन, थोड़ा वियर्डनेस लग रही है मुझे इस सिचुएशन में. बिजनेस आपने पहले ही शुरू कर दिया था क्या स्कूल में ही?
11th के समर में सर, जैसे मैंने YouTube पे सर्च किया हाउ टू स्टार्ट ऑनलाइन ई कॉमर्स बिजनेस, तो तब मैंने एक देखा, चलो मैंने साइड बाय साइड कर लेते हैं। पर आगे जैसे बढ़ा, फिर मैंने बिजनेस को, ई कॉमर्स ब्रांड को मैंने स्केल किया था, और फिर मेरा जो पार्टनर था, तो एक आने के बाद उसने मेरे को स्कैम हो गया था मेरे साथ। स्कैम हो गया सर। एक्चुअली हमने जो बिजनेस बनाया था, तो उसको हमने 6 months में हमने उसको $1 million तक लेके गए थे। Well done. क्या स्कैम क्या हो गया इसमें? अंडर एज था, तो मेरे पास बैंक अकाउंट था, लेकिन वो मॉम का था, और इंडिया में टैक्सेस बहुत है, ट्रांजेक्शन फी वगैरह। बंदा था US का, तो मैंने सब उसके अकाउंट के अंदर ही मैंने डाला। पर मैंने कनेक्शंस बहुत अच्छे हो गए थे, फिर से मैंने स्टार्ट किया, और तब मैं मंथली एक सैलरी भी लेना स्टार्ट किया मैंने। फिर से वही मैंने गलती की, ट्रस्ट किया, एंड फिर से मेरे साथ वही स्कैम हुआ था। यार एक बार सीख, गलती करने के बाद दूसरी बार तो इंसान सीख जाता है। अरे 18 साल का था वो। फिर मैंने सर्विस बिजनेस स्टार्ट किया था, जिसको भी ड्रॉप शिपिंग करना है, वेबसाइट लगता है, ईमेल मार्केटिंग लगता है, SMS मार्केटिंग लगता है, एंड ऑल्सो द शिपिंग थिंग, जो चाइना से US एक्चुअली 30 days लगता था शिपिंग, तो उसको मैं तोड़ के 7 days में मैं लेके आया था, तो उसमें मैं स्टेबल था। तो वो करीबन मैंने 2 साल किया, उसके बाद वो बहुत कॉम्पिटेटिव हो गया था, तो मैंने जो फुलफिलमेंट वाला पार्ट है वो हरका दिया, और सर्विस का मेरा अभी भी चल रहा है सर। और ये घर का बिजनेस जरा समझाइए, ये कब शुरू किया आपने और क्यों? मेरे एक फ्रेंड थी, नेबर, जिसने मेरे को सोप्स वगैरह गिफ्ट दिया था, क्वालिटी जो उसने दी थी हमारे को, उधर से हम लोग इम्प्रेस हो गए थे। फिर लगा कि इसका तो बहुत बड़ा मार्केट है, तो उधर से स्टार्ट हुआ हमारा घर सोप्स। एक दिन में वेबसाइट बना दी, दूसरे दिन हमने लॉन्च कर दिया। तो कुछ रिसर्च किया होगा ना प्रोडक्ट, ऐसे थोड़ी कि वेबसाइट बना के बेचना चालू कर दिया। फैक्ट्री, प्रोडक्शन, बहुत कुछ फिगर आउट करना पड़ता है। नहीं, पहले वेबसाइट ली, पिक्चर्स लिए, और हमने एड्स रन कर लिया। तो उनका इन्वेंटरी लेके आपने वेबसाइट कर दी। ये धंधा कितना बड़ा हो गया आज पर मंथ? एज ऑफ दिस मंथ वी आर क्रॉसिंग 1 crore एंड 1 crore पर मंथ। या इस मंथ वाओ। Last month was around 80 lakhs. अच्छा। And first quarter we have done 1.5 crore. तो इसीलिए इतने confidence के साथ बात कर रहे हैं, अब समझ में आया। Profit है? Yes. 12 crore business में? Yes, it's a profitable. तो 1 crore में कितना बचेगा आपके पास? 15 lakh profit बच जाएगा आपके पास? 1 crore में marketing कितना होगा? 25%, मतलब 25 lakh पकड़ो। कहाँ करते हो मार्केटिंग में खर्चा? 70% परफॉर्मेंस मार्केटिंग और 30% इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। आपका एक्विटी स्प्लिट क्या है दोनों का? 50-50। दिखाओ थोड़े प्रोडक्ट्स, दिखा दो हमारे को। हाँ। अगर दिखा सकते। वाओ, स्मेल्स। ये आइस रोलर है। दिस इज अ कॉफी आइस रोलर, कैन अप्लाई इट ऑन योर फेस। ब्रांड में जो सिंप्लिसिटी है ना, मिनिमलिस्टिक वे ऑफ लाइफ है ना, वो बहुत अच्छी चीज है, और प्रोडक्ट भी अच्छे है तेरा। अच्छा, मैंने डिसीजन बना लिया है। आपकी स्टोरी इज वेरी हार्ट टचिंग, और 12 करोड़ का बिजनेस बनाना इज नॉट अ जोक। पर मैं ये कहना चाहूंगी कि सीजन 1 में मैंने एक स्किन प्रोडक्ट्स के कंपनी में सोलो इन्वेस्टर हूँ, तो क्योंकि मेरा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, I am out, but I wish you the very best. Product के ऊपर थोड़ा depth दोनों, मेरे को अभी तक मिली नहीं रहा कि आपने product बनाने में क्या research करी है, कैसे बनाए? हमें science तो नहीं पता कि कैसे बनता है, पर मेरे को पता क्या चाहिए। Market में जितने भी है, we used to order everything US से, India से, and we used to see, we used to find gaps, यार किसमें क्या हम डाल सकते हैं, and manufacturers को बहुत months लगते हैं वो बनाने में, वो भेजते थे samples, we used to हर बार reject ही होता है हमारा। बार बार अप्रूवल्स के बाद हम फाइनल प्रोडक्ट निकालते थे। पर अमित का सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं आप। आपको पता ही कैसे चलता है कि गैप है? जो अभी फर्स्ट हम देखते हैं कि US में जो बड़े इंस्पिरेशन ब्रांड्स हैं, उनके प्रोडक्ट्स हम ऑर्डर करते हैं, एंड देन वी सी व्हाट्स हैपनिंग देयर। एक क्वेश्चन पूछूं, वो लड़की जिसने आपको प्रेजेंट दिया साबुन का, वो अभी भी इन्वॉल्वड है? वो आपको आइडियाज दे रही है? वही मैन्युफैक्चरर है, लेकिन अच्छा रिलेशन है, बॉन्ड है। अब बात समझ में आई मुझे थोड़ी बहुत। मेरे को मजा आया, आप यंग सड़कों से मिलके आप 21 साल में बहुत स्ट्रॉन्ग डिजिटल मार्केटर बन गए, बहुत रेयर स्किल है ये, तो मेरे को बहुत पसंद आया। जो कंपनी आप पिच कर रहे हो, ये एक प्रोडक्ट कंपनी पिच कर रहे हो घर, जो कि मेरे को ना अभी तक समझ नहीं आया कि अपने प्रोडक्ट में डेप्थ है ना। मैं कोई साइंस सुन पा रहा, ना कोई मैं डॉक्टर सुन पा रहा, ना मैं कोई आयुर्वेदा का कोई रियल डेप्थ ले पा रहा, पर इस टाइम मैं बाहर होना चाहूंगा। So I wish you all the best. I know आप कुछ बड़ा करने वाले। अच्छा जी, फिर आ जाते हैं आपके बिजनेस पे। हाँ। आपके खुद के वेबसाइट पर
कितना सेल्स हो रहा है 1 करोड़? 70%। क्या टोटका निकाल रहा है भाई? बहुत सही है, वेरी गुड यार, अपनी वेबसाइट्स हो रहा है। ये सुपर डिजिटल मार्केटर हैं तो समझ क्यों? एक्चुअली हम अमेज़न पे बहुत लेट उतरे सर। कब उतरे? 6 months। फ्लिपकार्ट में कब उतरे? अभी तभी। अच्छा, अभी स्टार्ट किया? अभी स्टार्ट किया सर। नॉट ऑन नाइका? नाइका अभी तक हुआ नहीं। नाइका अभी तक अप्रूवल नहीं आया। अप्रूवल हो गया है, पीओ वगैरह ऑर्डर आना बाकी है। जो आज का 30% है मार्केट प्लेसेस से, नाइका से डबल हो जाएगा। बट ये वाला बिजनेस में प्रॉफिट बनाना ना, नॉर्मली आप किसी भी ब्रांड से पूछो सर, सबको ना बर्न अच्छा लगता है कि मेरा इतना बर्न हो रहा है। आप इसमें प्रॉफिट कैसे बना पा रहे हो? इट इज एस्टोनिशिंग। अभी फिलहाल के लिए हम क्या कर रहे हैं, एक एक्सेसरी को पकड़ रहे हैं, उसको स्केल कर रहे हैं, उसके साथ इसको एड ऑन कर रहे हैं। एक्सेसरी में हमारा मार्जिन ज्यादा रहता है। एक्सेसरी क्या, कौन सी? जैसे आई स्ट्रोलर, और अभी जो हमने इनोवेट किया जो आई पैच है, ये जो आपका इट्स रीयूजेबल। हाँ सर, इंडिया में किधर भी नहीं है सर। मेरे को ये जानना है आप बनाना क्या चाहते हैं, विजन क्या है? अभी हम लोग इसमें टेक्नोलॉजी ला रहे हैं सर, एक फेस रिकॉग्निशन ऐप जिसमें आपकी स्किन को डिटेक्ट करेगा, जहाँ जहाँ पे भी एक्नी है, जहाँ जहाँ पे भी आपका है, और उसका वो कॉम्बो बनाएगा। ये तो ऐसे ऐप्स ऑलरेडी है जैसे कि क्योर स्किन है सर। अभी जो क्योर स्किन है सर, वो उसने नॉर्थ को कवर ही नहीं किया, उसके एड्स अगर आप देखोगे तो सिर्फ साउथ में चलते हैं। अच्छा जी, इतना जुगाड़ कैसे कर लेते हो भाई? पूरा दिन वही काम है इसका। और तुम्हारा क्या काम है? इनका काम है सपोर्ट करना, ये सब अकाउंटिंग सपोर्टिंग ऑपरेशनल्स वगैरह सब। एक्चुअली क्या है ना सर, अभी प्लानिंग तो हो गया, लेकिन उसको जो जैसे सबसे बड़ा होता है सप्लाई चेन हैंडल करना, तो आई कैन डू स्ट्रेटजी पर, लेकिन एग्जीक्यूशन पार्ट इनके बिजनेस होता है। इट्स गुड दैट यू अप्रिशिएट ईच अदर्स वर्क। एक निजी सवाल पूछूं, आप स्टेप ब्रदर्स हो, इतने अरसे के बाद मिले, डिड यू लाइक ईच अदर इंस्टेंटली कि काफी मतलब अनबनी हुई पहले? आज दिन तक हम दोनों का कभी झगड़ा नहीं हुआ। क्या पसंद है आपको एक दूसरे के बारे में? ये चीजों को अच्छे से समझ सकते हैं। अच्छा, और आपको क्या पसंद है इनके बारे में? इसको बोलना चाहिए कि ये चालू करना है, इसको आसमान तक पहुंचा देगा। ओ वाह, अरे वाह, छोड़ता नहीं। मुझे जो पसंद आ रहा है वो ये आ रहा है कि आप बहुत बड़े हसलर हो। 12 करोड़ का बिजनेस बनाना डिजिटल पे इज नॉट इजी, पर अभी ये इन्वेस्टेबल बिजनेस बनाने के लिए इसको इसमें काम करना पड़ेगा, एक पर्पस डिफाइन करने में, एक विजन डिफाइन करने में कि हमें बनाना क्या है। शायद वो एक्ने का बनाएंगे हम, कोई भी फोकस लेके या कोई भी एक प्रोडक्ट लेके, तो वो गैप लग रहा है। पर मेरा ऑफर है आपको 60 लाख और 10% एक्विटी। मैं भी आपको यही ऑफर देता हूँ, वी कैन गो टुगेदर। या तो हम दोनों आ जाते हैं, चलो 30-30 लाख देते हैं, 5% ईच। वैल्यूएशन वगैरह छोड़िए, हम वो डायरेक्शन में ही नहीं जाना चाहते क्योंकि उससे कुछ नहीं होने वाला। मुझे लगता है कि आप ब्रांड पे, अगर जैसा इन्होंने पूछा था प्रोडक्ट पे फोकस करते हो, मैं कहता हूँ दोनों पे फोकस करेंगे। यू नॉट ओनली अ प्रोडक्ट कंपनी, यू ऑल्सो हैव टू बिकम अ ब्रांड। मैं आपको इंडिविजुअल ऑफर देता हूँ, Amazon Flipkart में अभी आए हो और वहां का तो राजा मैं हूं। सेम ऑफर 60 लाख 10%। ये Amazon राजा वाजा की बातें छोड़ो, ये खुद की बड़ाइयां की बात है। आपको ये भी देख लेना, आपको हेल्प ज्यादा Amazon पे चाहिए या हेल्प ज्यादा टेक में चाहिए। क्योर स्किन वगैरह टाइप की टेक्नोलॉजीज बनानी है तो आई कैन हेल्प यू अलॉट, मैंने पूरी तरह समझा हुआ है वो, और हमारा बिजनेस ही टेक्नोलॉजी का। बहुत सारी कंपनियां बंद भी हो चुकी हैं जो ये कर रहे होंगे, तो ये क्या कह रहे हैं अभी इनको भी नहीं पता, लेकिन आप सोच के वापस आइए, खाली काउंटर करने के लिए कुछ बोल। हाँ भाई साहब, कोई पता है हर चीज? हमें तो कुछ नहीं पता, हम वो तो नादान बंदे हैं, तो खुद ही एडमिट कर लिया तुमने, नादान पंछी हैं सर, कोई पता है हर चीज? हम थोड़ी कुछ पता है। बिल्कुल बकवास करोगे तो यही रियलाइज होगा, मैं क्रॉस फायर में फंसा हूँ यहाँ पर। चलिए आप सोच के आइए। Coverage operation is 2% 60 lakhs, 90, 3% 90 lakhs. हाँ, वो ने काउंटर नहीं वाला, और ज़्यादा उसी ऑफर। शाक्स हमारा काउंटर ऑफर है 5% फॉर 1 CR। हाँ, 1 CR बढ़ा दिया आपने अपना आस्क। 60 लाख मांगा था ना पहले सर, बट इक्विटी भी बढ़ाई। तो यार तुमने क्या क्यों समझते हैं थोड़ा।
आपको परसेंटेज से फर्क पड़ता है, वैल्यूएशन से फर्क पड़ता है या अमाउंट से फर्क पड़ता है? वैल्यूएशन. वैल्यूएशन 20 करोड़ इज द मैक्सिमम यू कैन गो. आपका काउंटर थोड़ा सा ज्यादा ही काउंटर है. सर वैल्यूएशन कम की सर, 10 करोड़ कम क्या है? नहीं यार, तू 15 करोड़ का बिजनेस कर रहा है ना. 12 करोड़ 12 करोड़ और कितना करेगा अगले साल? इस साल एंड तक विल डू 12 से 15, और अगर आप लोग आ जाए तो शायद उससे ज्यादा. ठीक है, तो मेरे को तो लगता है फेयर है. वन टाइम वैल्यूएशन इज नॉट बैड. आई कैन गिव यू 15 करोड़ वैल्यूएशन. $60 lakhs एट 4% विच इज इक्वल टू 15. वी विल मैच दैट. अब आप आराम से उठ लीजिए, आपको दोनों तरफ से सेम ऑफर आ चुका है. अगर आप यहां से सोचने के लिए बाहर गए तो मेरा ऑफर आउट. आपके ऊपर. शार्क्स डील पक्की है अमन सर. गुड लक गाइस. गुड जॉब मैन. लेट्स बिल्ड इट अप. बधाई हो, आपके घर पर एक नन्ना मेहमान आने वाला है. शार्क्स, जब भी हम ये न्यूज सुनते हैं हमारे घर पर एक खुशी का माहौल होता है. माँ खुश तो बहुत होती है, लेकिन साथ ही साथ अपने कोख में बढ़ रहे बच्चे के लिए काफी स्ट्रेस और एंशियस होती है, क्योंकि ये खुशी कब गम में बदल जाए पता नहीं. शार्क्स, आज भी भारत में 1 लाख लाइव बर्थ्स पे 113 मदर्स की डेथ प्रेगनेंसी, डिलीवरी या पोस्ट डिलीवरी के बाद हो जाती है. और यदि मैं सिर्फ बच्चों की बात करूं तो 1000 में से 30 न्यूबॉर्न्स की डेथ डिलीवरी या डिलीवरी के बाद हो जाती है. Oh my God. तो शख्स उसी आखिरी 3 महीने में और लेबर के टाइम, यदि माँ और बच्चे की सही टाइम पे सही मॉनिटरिंग करके सही डिसीजन लिया जाए तो 80% से ज्यादा इन डेथ्स और कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट किया जा सकता है. और इसी के लिए हम लेके आए हैं जनित्री. मैं हूं अरुण अग्रवाल, मैं अलवर राजस्थान का रहने वाला हूं और मैं जनित्री का फाउंडर हूं. जनित्री में हम बना रहे हैं वियरेबल एंड एआई इनेबल्ड डिवाइसेज एंड सॉफ्टवेयर जो माँ और अनबॉर्न बेबी के वाइटल्स पैरामीटर को मॉनिटर करता है और कंटिन्यूअसली डेटा डॉक्टर की मोबाइल ऐप पे भेजता है, जिससे कि डॉक्टर राइट टाइम पे राइट डिसीजन ले सके और इन कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट कर सके. हमारा विजन है कि कोई भी माँ और बेबी प्रेगनेंसी के टाइम, डिलीवरी के टाइम या पोस्ट डिलीवरी के टाइम ना तो उसकी डेथ हो ना ही इसको कोई लाइफ लॉन्ग कॉम्प्लिकेशन हो. तो इसके लिए शार्क्स हम आए हैं 1 करोड़ की डिमांड लेके 2.5% इक्विटी पे. तो क्या आप तैयार हैं जनित्री को हर माँ और परिवार तक पहुंचाने के लिए? अरुण जी, शार्क टैंक पे आपका स्वागत है. थैंक यू. और ये प्रोडक्ट तो मेरे दिल के बहुत ही करीब है. एमक्यो गायनेक में सबसे बड़ा हमारा प्रेजेंस है. और सेकंड, क्योंकि मैं खुद एक माँ हूँ. लेकिन प्रोडक्ट के बारे में बात करने से पहले मैं आपके बारे में जानना चाहूंगी. मैं अलवर राजस्थान से हूँ, मेरी पूरी स्कूलिंग वहीं पे हुई है. उसके बाद मुझे मौका मिला बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स में करने का VIT वेल्लोर से, तो मैं साउथ में आ गया. मेरा एक सपना था कि मैं ये जो ग्रास रूट लेवल प्रॉब्लम्स हैं हेल्थ केयर में उनको टेक्नोलॉजी के थ्रू सॉल्व करूं, और इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं मास्टर्स बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में करूंगा. व्हाई हेल्थ केयर? तो मैंने बचपन में काफ़ी हेल्थ केयर के रिलेटेड प्रॉब्लम्स अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में काफ़ी ज़्यादा सुनता था. आपको पता होगा कि इंडिया में इन्फेंट मॉर्टिलिटी रेट, मैटरनल मॉर्टिलिटी रेट ये 20 साल पहले कितनी ज़्यादा थी. Yeah. मैंने अपनी दादी की स्टोरी सुनी, वो 7 भाई बहन हैं. हाँ जी, हाँ जी. उनमें उन्होंने बताया कि उनका वन ऑफ द था जो विद इन 1 ईयर उनकी डेथ हो गई थी. तो ये सब ट्रिगर पॉइंट थे. जब मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स से अपनी बीटेक स्टार्ट करी
तो वो डॉट्स कनेक्ट हुए और देन आई डिसाइडेड कि ये ग्लोबली काफी बड़ी प्रॉब्लम है और टेक्नोलॉजी अभी तक इधर नहीं आई है. 2 साल के लिए मैंने एक जॉब ले लिया खुद को फाइनेंशियली सर्वाइव करने के लिए. जॉब क्या था सर? मैं एक पेटेंट एनालिस्ट था, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एनालिस्ट इन दी हेल्थ केयर डोमेन. हाँ, वेरी गुड. और अपने फ्री टाइम में मैंने हेल्थ केयर के स्टेक होल्डर से मिलना शुरू कर दिया. हेल्थ केयर हैकाथॉन अटेंड करना चालू किए. मैंने 100 से ज़्यादा हॉस्पिटल विजिट किए अक्रॉस इंडिया. मैंने लाइव डिलीवरीज देखी, मैंने सी सेक्शन देखे अपनी आंखों से और मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर के पूरे प्रोसेस को डिटेल में समझा. तो ये प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा पूछते हैं, ये प्रोडक्ट है क्या? जनित्री में 3 प्रोडक्ट हैं. KR पैच, KEYAR, दक्ष जो कि एक सॉफ्टवेयर है, एंड नवम वेरेबल जो कि फीटल मूवमेंट को मॉनिटरिंग करने के लिए वेरेबल है, जो कि अभी हमारा प्रोटोटाइपिंग स्टेज में, अभी तक हमने उसको लॉन्च नहीं किया है. Where do you wear नवम? It's on the wrist. और वो फीटल मूवमेंट यहाँ से ट्रैक हो सकता है? उनको फीटल हार्ट रेट मॉनिटर करने के साथ साथ एक पॉइंट चाहिए जहाँ की किस पॉइंट पे मदर ने फीटल बेबी का किक महसूस किया. हाँ जी. उस पॉइंट पे शी जस्ट नीड टू क्लिक दैट बैंड. KR पैच एक सिलिकन एंड प्लास्टिक का बना हुआ पैच है जो कि प्रेग्नेंट वुमेन के पेट पे चिपकता है और ये फीटल हार्ट रेट, मैटरनल हार्ट रेट, लेबर कॉन्ट्रैक्शन, फीटल मूवमेंट, ये 4 पैरामीटर्स को मॉनिटर करता है. लेकिन ये KR पैच एक्चुअली में दक्ष एप्लीकेशन से कनेक्ट होता है, विच इज ए मोबाइल एप्लीकेशन जो कि किसी भी एंड्रॉयड फोन या टैबलेट में चल सकता है. यदि आपकी अनुमति हो तो मैं वीडियो चला के आपको दिखाई तो ये पैच इस तरीके से है, ये कंज्यूमेबल्स केबल और किसी भी एंड्रॉइड फोन में. तो आप कंज्यूमेबल्स को आप खोलेंगे, इसमें से 5 इलेक्ट्रोड, एक डबल साइडेड मेडिकल टेप और एक स्किन एक्सफोलिएशन टेप निकलेगी. अब ये डबल साइडेड टेप का एक हिस्सा हटा के पैच की तरफ और ऊपर से हटा के स्किन पे. अब मोबाइल एप्लीकेशन में आप उस पेशेंट का डेटा ऐड कर दीजिए और इसके बाद ये केबल कनेक्ट किया, उसके बाद फोन से कनेक्ट किया एंड योर रीडिंग स्टार्ट. इसका यूसेज 3 महीने का है, विच इज द लास्ट ट्राइमेस्टर, कि सिर्फ 2 दिन बिफोर डिलीवरी का है? दोनों का है. डिलीवरी के टाइम तो कंटिन्यूअसली डिलीवरी तक लगा रहता है. लास्ट ट्राइमेस्टर में जब प्रेग्नेंट वुमेन हॉस्पिटल विजिट करती है, डॉक्टर को विजिट करती है ओपीडी के लिए, उस टेस्ट को कहते हैं एनएसटी टेस्ट. इट्स कॉल्ड नॉन स्ट्रेस टेस्ट. वो ये करता है? वो ये करता है. और तब कितनी देर तक लगाए रखना? 30 मिनट. हां, दैट वाज माय क्वेश्चन. भाई जब लेबर पेन होता होगा तो इंसान को उस टाइम पे तो हॉस्पिटल के सिवाय ये थोड़ी याद आएगा मुझे ये पहनना है. तो ये सारी चीजें अभी हम हॉस्पिटल्स एंड क्लिनिक्स को बेच रहे हैं B2B. आओ, आपका बिजनेस B2B है? अभी B2B है. ओके. कोई सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता इस चीज के लिए ऑलरेडी? पिछले 30-40 सालों से मार्केट में एक डिवाइस एग्जिस्ट करती है जिसको कार्डियो टोकोग्राफी मशीन कहते हैं. इट्स कॉल्ड फीटल मॉनिटर सिंपल लैंग्वेज में. उसमें 2 प्रोब होते हैं, अनबॉर्न बेबी की पोजिशंस को आइडेंटिफाई करके वो प्रोब लगाना है बेल्ट के साथ और टाइम टू टाइम उस प्रोब को आपको रिलोकेट करते जाना है अंटिल शी डिलीवर. तो नर्स के लिए वो काफी हेडक है. हर आधे एक घंटे में नर्स को आना पड़ता है, उस प्रोब को एडजस्ट करना पड़ता है और वो दोनों प्रोब वायर के थ्रू एक बड़े से डब्बे में कनेक्ट होते हैं जो डिजिटल भी नहीं है और उससे एक थर्मल प्रिंट में आपका वो ग्राफ निकलता है. उसके बाद डॉक्टर को हमेशा उसका प्रिंट देखने उस पर्टिकुलर रूम में आना पड़ता है क्योंकि वो थर्मल प्रिंटर पे प्रिंट कर रहा है. हाँ जी. इधर डॉक्टर के फोन पे डेटा पहुंच रहा है, चाहे वो कॉन्फ्रेंस में हो, चाहे अपने ओपीडी में बैठी हो, चाहे कहीं पे भी हो, शी कैन टेक डिसीजन. एक और एक्स्ट्रा चीज है, अब क्योंकि डेटा इज डिजिटल, उसके टॉप पे हमने एक और एल्गोरिथम्स लगाई हैं जो उस ग्राफ में से ऑटोमेटिक इंटरप्रिटेशन डेटा करता है जो कि डॉक्टर अभी तक अपने माइंड में कर रहा था. तो एक्सपीरियंस, लेस एक्सपीरियंस, हाई एक्सपीरियंस से वो डिसीजन वेरी कर रहा था. अब हमने उनको ग्राफ में से ही वो पैरामीटर निकाल के दे दिए एंड नाउ टेक योर डिसीजन. पेटेंट है आपके पास? सर, हमने 12 पेटेंट फाइल किए हुए हैं जिसमें से 4 ग्रांटेड हैं ऑलरेडी. वर्ल्ड में किसी ने किया है या ये अपनी इजाद है? पेटेंट नहीं सर, किया है ग्लोबली कपल ऑफ अदर स्टार्टअप हु हैव आल्सो इन द सिमिलर जर्नी. मार्केट में जो ट्रेडिशनल डिवाइसेस हैं उनकी कॉस्ट और आपकी कॉस्ट में कितना डिफरेंस है? तो सर, जो ट्रेडिशनल डिवाइस हैं, जो बिग ब्रांड्स हैं, जी, फिलिप्स एंड ऑल, उनकी तो 1.5-2 लाख रुपए से स्टार्ट होता है. जो थोड़े एवरेज ब्रांड है वो 1 लाख रुपए के आसपास है. तो ये पैच हम मार्केट में 29,000 MRP का देते हैं. और सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर की एनुअल सब्सक्रिप्शन कॉस्ट 10,000 रुपए है. आपका सेल्स बताइए. पिछले फाइनेंशियल ईयर में हमने कुछ 1.03 करोड़ की सेल्स करी है. लास्ट मंथ आपकी क्या सेल्स थी? 10 लाख. आपका मंथली बर्न कितना है अभी?
सर कुछ 15 लाख रुपए का है अभी। तो सेल्स आपने कब शुरू किया? 5 साल हमको ओवरऑल R&D, क्लिनिकल ट्रायल, इम्प्रूवमेंट, रेगुलेटरी में लगे और पिछले साल मार्च अप्रैल के अराउंड हमने सेल्स। फाइव इयर्स। वो तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो बहुत है उस टाइम। पैसे वैसे क्या किए? Who funded this? सर, वी एक्चुअली गॉट फंडेड बाई BIRAC। गेट्स फाउंडेशन ने हमको फंड किया है, गवर्नमेंट ऑफ कैनेडा ने हमको फंड किया है, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका ने हमको फंड किया है और ये सब ग्रांट थे। आज तक हम कुछ 7 करोड़ उठा चुके हैं। 50% इज ग्रांट, 50% इज इक्विटी। क्या वैल्यूएशन पे लिया? तो हमने पहला जो सीड राउंड उठाया था 2.5 साल पहले फेब 2020 में, जब हम प्री मनी थे, 15 करोड़ की वैल्यूएशन पे हमने कुछ 2.35 CR उठाए थे। और सेम इन्वेस्टर ने हमको लास्ट ईयर अप्रैल 2021 में 1.15 CR और दिए हैं। क्या वैल्यूएशन पे? कन्वर्टेबल नोट पे। अच्छा, मैं आपको एक ऑफर देती हूँ। जी। हॉस्पिटल्स होंगे 200-300 या व्हाटएवर, लेकिन नर्सिंग होम्स बहुत सारे हैं हमारे कंट्री में, और आज भी प्रेग्नेंट वुमेन प्रिफर कि वो नर्सिंग होम्स जाए। तो ये जो कैटेगरी है वहाँ आपका कस्टमर बेस है, बिकॉज इट्स B2B। नाउ ये कैटेगरी की मैं क्वीन हूँ तो मेरे से अच्छी पार्टनर तो आपको मिलेगी नहीं। क्या आपका एक प्रीवियस राउंड हो चुका है 15 करोड़ पे, तो मैं आपको ऑफर कर रही हूँ 75 लाख फॉर 5%, जिसका वैल्यूएशन होगा 15 करोड़ एंड देन 25 लाख डेट। वो जो वैल्यूएशन आप दे रहे हैं वो 2.5 साल पहले की वैल्यूएशन है, जब हम प्री मनी थे, रिस्क काफी हाई था। 40 करोड़ बहुत हाई है 1 करोड़ सेल्स के लिए। हम एक्चुअली में प्री सीरीज ए राउंड रेस कर रहे हैं और उसमें हम कुछ 5 करोड़ रेस कर रहे हैं और 2.5 करोड़ का कमिटमेंट है उस वैल्यूएशन पे। प्री सीरीज ए एक अर्ली स्टेज राउंड होता है जो सीड राउंड और सीरीज ए राउंड के बीच में होता है। ये तब होता है जब प्रोडक्ट मार्केट फिट दिखने लगे लेकिन पूरी तरह एस्टैब्लिश नहीं हुआ होता है। इट्स इन द SHA प्रोसेस नाउ। पर हुआ तो नहीं है ना, तो मेरा उसके पहले करवा दीजिए, मैं आपका डबल करती हूँ। इंस्टेड ऑफ 15 करोड़ मैं आपको 30 करोड़ देती हूँ। ओह वाओ, जस्ट लाइक दैट। बट दैट्स फाइनल। 60 लाख फॉर 2%, 30 करोड़ एंड 40 लाख डेट, ऐसे कर सकते हैं। नॉट बैड, दैट्स अ गुड ऑफर। गुड ऑफर। अरुण, मेरा एक डिसीजन बन रहा है यहाँ पर। बड़ा मजा आया एक बात को लेकर कि आप ये जो ग्लोबल प्लेयर्स हैं मेडिकल डिवाइसेस में, उनको चैलेंज करने निकले, क्योंकि मैं समझता हूँ इनकी एक मोनोपोली बन गई है। लाख लाख, 10-10 लाख, 50 लाख, 1-1 करोड़ की मशीन्स आती हैं। तो मुझे बहुत खुशी हुई ये बात सुनकर कि मेक इन इंडिया, इंडिजिनस इनोवेशन, और यहाँ आप इनको चैलेंज कर रहे हो, और मुझे लगता है कि आप भारत का नाम रोशन करें। लेकिन आज इवन आफ्टर ऑल दैट मैं आउट होना चाहूंगा, क्योंकि आई डोंट थिंक आई कैन हेल्प यू द वे नमिता कैन। थैंक यू सर, ऑल द बेस्ट। अरुण जी, मुझे पता है आपका सबसे अच्छी बात क्या लगी, आपने हसल करा है, आपने पुश मारा, आपने 6 साल से आप इस पे लगे रहे। मैं तो उसी पे आपको ऑफर देने को तैयार था और दे देता तो, बट यू नो नमिता इज द परफेक्ट शार्क फॉर यू इज व्हाट आई बिलीव, इसलिए I leave it to you and Namita. अभी आप time मत लगाइए, इतना accept करके let's move on. और मैं आपको बताती हूँ, मेरी actually एक personal story है। मेरी एक cousin, उसे ये issue हुआ था कि you know infant mortality का, so it's something that's very close to my heart. सबसे बड़ी बात ये है कि इस country में अगर हमें healthcare को effective बनाना है, technology के बिना ये करना नामुमकिन है। right. तो जिस दिन फार्मा और टेक्नोलॉजी जुड़ जाएंगे, वी कैन क्रिएट मैजिक। फार्मा एंड टेक पार्क। सो टू शार्क्स आउट, थ्री आर स्टिल इन। आपने डिसीजन बना लिया है पीयूष एंड अमित। सवाल है, मेरा आपसे सवाल है कि ये तो बहुत फटाफट कर लेती है, मैं थोड़ा समझना चाहूंगा। आपका 1 साल से आपका रेवेन्यू स्टैग्नेंट है और आपने बताया कमाल का प्रोडक्ट है ये, तो ऐसा क्यों नहीं हुआ 1 साल में कि बहुत सारे नर्सिंग होम ने लैप अप किया इस प्रोडक्ट को, ऐसा क्यों नहीं हुआ? नहीं सर, स्टैग्नेट नहीं है। जैसे लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 1 करोड़ किया, अभी भी 10 लाख कमांड कर और अभी 10 लाख चल रहे हैं, लेकिन मेरे पास कुछ बड़ी डील्स हैं जिससे हम 4 करोड़ करने वाले। दीज आर ऑल साइन डील्स। एक्चुअली में हमने साउथ ईस्ट एशिया
अफ्रीका कॉन्टिनेंट, साउथ अमेरिका, ये सब हमारा मार्केट है और हमने कुछ डिवाइसेज एक्सपोर्ट भी करना चालू कर दिए हैं और वहाँ पर क्लियरली हम रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ काम करेंगे। अरुण जी, मैंने 50 बार सीजन 1 में कहा है, लेकिन और एक बार आपके लिए कहती हूँ, आपको पता है ना मैं 70 कंट्रीज में हूँ। राइट, आई नो, आई नो। तो यहाँ बैठी बैठी 70 कंट्रीज में, सोचिए राइट, कैसी माया जाल है। देखिए, अगर मैं आपको ऑफर दूं 1 करोड़ 5% इक्विटी के लिए, नमिता अगर इसमें जुड़ना चाहती हैं तो हम... मुझे सोलो जाना है, ये मेरा डील है। चलो, मेरा और अमित का जॉइंट ऑफर है 1 करोड़ for 5%, अगर अमित आप ओके हैं तो। मैं आपके साथ जाने में ओके हूँ इस पे। मैं एक चीज आपसे कॉन्फिडेंटली पूछना चाह रहा हूँ, इस साल का 4 बोला आपने, अगले साल का 100% कॉन्फिडेंस है आपका, कितना रेवेन्यू? सर, जैसे ही मैं डील डन करूंगा नमिता जी के साथ, विद नमिता 50 क्रॉस, विदाउट नमिता 8 क्रॉस, बोलिए ना। बिना नमिता जी के बताइए आप कितनी आप रेवेन्यू कर पाएंगे? सर 20 करोड़ मिनिमम। 20 करोड़ मिनिमम जो आप मेरे साथ 50। 1 करोड़ आपने मांगे, 2.5% आप डाइल्यूट करना चाहते हो बस, आप जो मांग रहे हो वही देने को तैयार है। अगले साल का आपने 100% कॉन्फिडेंस से कितना बोला? 20 करोड़। वो नहीं हुआ तो फिर 5% लेंगे, अदरवाइज 2.5% लेंगे। अरुण जी, मैं इन लोगों की हिम्मत की दाद देना चाहूँ कि ये मेरे सामने मैदान में उतरे हैं। मेरी तो फट गई। I mean seriously, बहुत brave है ये दोनों, बहुत brave है। अपन राजस्थान की लोग हैं, धंधा समझते हैं, धंधा बनवाना है। ये आई डोंट बिलीव। अरे अभी राजस्थान पे मत आ जाओ, कम्युनिटी कार्ड प्ले मत कीजिए, हम गुज्जू कम नहीं है। आपने इनोवेशन कर लिया आपने, अच्छा इसको मोनेटाइज कैसे करना है हम, अच्छा उसके ऊपर बात करेंगे। आपके लिए डील समराइज करता हूं। पीयूष और अमित एक साथ आना चाहेंगे, 1 crore for 2.5%, 40 crore वैल्यूएशन, कंटिंजेंट या कंडीशनल कि आपने जो सेल्स कमिट किया था अगर वो ना हो तो 2.5% 5% बन जाएगा एट 20 crore वैल्यूएशन। मैं आ रही हूं 2 डील्स के साथ। डील नंबर 1, 60 lakh for 2%, 30 crore वैल्यूएशन एंड ऑफकोर्स 40 lakh डेट, नो कंडीशन। और सेकंड डील मैं आपको दे रही हूं कि मैं इनका मैच करूंगी। आपको कौन वैल्यूएबल लग रहा है इस डील के लिए? सो डील डन करते हैं नमिता, आपकी दूसरी वाली। दूसरी वाली 1 crore contingent। You're so confident of sales. Yeah. Congratulations. We will make this. Yes. And bahut zaroor hai India. Good job. लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है, सोने को जितनी आग मिले उतना वो निखरता है, हीरे पे जितनी धार चले उतना वो चमकता है, मिट्टी का बर्तन भी पकता है तब जाके धुन पे नचता है। वाह, शार्क्स, समय बहुत बलवान है और आज मैं आपसे आपका थोड़ा सा समय मांगना है। नमस्कार, नमस्कार, मेरा नाम गौरव मेहता है, मैं जयपुर वॉच कंपनी का फाउंडर हूं। नाइस। जयपुर वॉच कंपनी भारत की पहली माइक्रो लग्जरी वॉच ब्रांड है। हमारी शुरुआत 2013 में हुई थी। आज हमारी घड़ियां सिर्फ समय नहीं बताती है बल्कि भारत के इतिहास का एक हिस्सा भी हम उनकी कलाई पे हमारी लिमिटेड एडिशन वॉचेस के माध्यम से मानते हैं।
आज हमारी क्लाइंट लिस्ट में शुमार है भारत के नामी गिरामी सेलिब्रिटीज, फिल्म स्टार्स, स्पोर्ट्स स्टार्स एवं कई कॉर्पोरेट जगत के लोग। मुझे बताते हुए बड़ा गर्व हो रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री तक के पास में हमारी घड़ी मौजूद है। आज हम स्वयं की वेबसाइट से बेचते हैं, उसके अलावा हम मार्केट प्लेसेस में टाटा क्लिक लग्जरी एवं नायका ल्यूक्स पे उपलब्ध है। शार्क्स, मेरा एक सिंपल सा सवाल है आप लोगों से कि भारत से आज तक कितनी लग्जरी ब्रांड्स निकली है, ऐसी ब्रांड्स जिन्होंने दुनिया में अपनी धाक जमाई हो। मेरा एक सपना है, इंडिया प्लस लग्जरी इज इक्वल टू ग्लोबल। मैं आप सबकी मदद चाहता हूं इस सपने को साकार करने के लिए। मेरी आस है आपसे 50 लाख रुपए फॉर 2% ऑफ माय कंपनी। अच्छा जी, तो गौरव मेहता जी, हाँ जी, आपका शार्क टैंक पे बहुत बहुत स्वागत। 2013 में ऐसा क्या हुआ जो आपने ये काम पकड़ा, जो कि जहन में जल्दी से आता नहीं ये काम करना? सर ऐसा है, मुझे बचपन से घड़ियों का और सिक्कों का बहुत शौक है। मेरे निजी कलेक्शन में 300 से ज्यादा घड़ियां हैं। और तो ये बात है 2012 की, मैं एक घड़ी खोल रहा था और उसी समय कुरियर के अंदर एक सिक्का आया था, ब्रिटिश इंडिया का सिक्का था जिसमें छेद बना हुआ आता है। हाँ जी, वो इकलौता सिक्का है इंडियन कॉइनेज की हिस्ट्री में जिसमें होल है। मैं भी कॉइन कलेक्ट करता था, स्वयं अवेयर होता है। वो इंसिडेंटली पता नहीं मेरे दिमाग में आया, मैंने कहा यार इसको लगाते घड़ी के अंदर देखते कैसा है, और उसको चिपका के पहन के घूमने लग गया। काफी लोग मुझसे पूछने लग गए, यार ये आपने खरीदी कहाँ से? अरे वाह। मैंने कहा मैंने बनाई। बोले यार हमारे लिए भी बना दो। तो इस तरह से लोगों के मेरे पास इनपुट्स आए पॉजिटिव, और फिर मैंने कहा कि अभी जो काम कर रहे मजा नहीं आ रहा है, पैशन तो जो है यही है, और दोनों पैशन का जो मिक्स मिल रहा है इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता। तो इसके पहले आप क्या करते थे और आपकी अभी उम्र क्या है जरा आपका डिटेल? 38। कहाँ बड़े हुए, क्या पढ़ाई की? मैं जयपुर शहर से ही हूँ। कौन से स्कूल में पढ़े आप? मैं भी जयपुर से ही। मैं SMS स्कूल से पढ़ा हूँ। आप जेवियर से पढ़े? सेंट जेवियर। हाँ जी, हम भी ओरिजिनली जयपुर से हैं, लेकिन अब बम्बई के राजस्थान से। बिल्कुल, और हम जयपुर घूमने जाते हैं। मैंने अपना मास्टर्स किया है रिस्क मैनेजमेंट में, करीब 8 महीना नौकरी करी, फिर मैंने कहा मेरे से नहीं हो सकती नौकरी। फिर मैंने अपनी इंश्योरेंस ब्रोकिंग फर्म स्टार्ट करी खुद की। हाँ जी। अच्छा जी, उस जर्नी के दौरान ये घड़ी वाला। तो आप क्या कोई जयपुर ज्वेलरी फैमिली से आते हैं? नहीं, मेरे फादर चार्टर्ड अकाउंटेंट है। मैं फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर हूं। अच्छा जी, आपका डिजाइन कौन करता है? आई डू द इनिशियल डिजाइनिंग। कैन वी सी द प्रोडक्ट्स? यस। स्टैंप लगा हुआ है ये बहुत। ये पोस्टल स्टैंप है 1938 के। अच्छा, ये थी वो घड़ी जो कोइंसिडेंटली बनी थी। काफी इनोवेटिव वॉचेस है, मतलब काफी सारी डिफरेंट। वेरी नाइस। जरा गौरव जी दो चार घड़ियां यहाँ भी दे देंगे देखने के लिए, इफ यू डोंट माइंड। थैंक यू। सुंदर है, इस पे एक टाइगर बना हुआ है, तो ये आपने बाद में ऐड किया? ये टाइगर बना हुआ नहीं है सर, ये ब्रिटिश इंडिया का लास्ट कॉइन है। 1947 में ये मिंट हुआ था। वेरी नाइस, बहुत अच्छे। और ये आपकी सबसे एक्सपेंसिव वॉच है प्रेट कलेक्शन में? यस। देखिए हम दो कैटेगरीज में काम करते हैं, एक प्रेट और एक बीस्पोक। सो प्रेट कैटेगरीज आर प्रीमेड कलेक्शंस where we make watches starting from 20,000 rupees and they go up to 55,000 rupees. Okay. Then there is a bespoke category where we make made-to-order gold watches. So they start from 1.5 lakh rupees. This is a good idea, gold watches. 1.5 lakhs up to? Maximum we have done is a 24 lakh rupees. 24 lakhs? Yeah. बट आजकल एक चीज बताओ मेरे को, बहुत लोग स्मार्ट वॉचेस की तरफ भी जा रहे हैं। हैव यू एवर थॉट कि इन वॉचेस को भी स्मार्ट बना दें तो दोनों ऑप्शन हो जाएगा? बिल्कुल। सो इट इज इन पाइपलाइन। हम एक हाइब्रिड स्मार्ट वॉच बनाना चाहते हैं, उसके अंदर स्मार्ट बैंड अटैच्ड होगा एक नॉर्मल मैकेनिकल वॉच के साथ। तो सेल्स बताइए और प्रेट और बिस्पोक का स्प्लिट।
हमारी लास्ट ईयर की सेल थी 1,07,00,000 रुपए। हमारी अभी तक अप्रैल से लेके 20 अगस्त तक हमारी सेल है 1,20,00,000 रुपए। प्रेड कलेक्शन हमारा कंट्रीब्यूट करता है 80% ऑफ आवर सेल्स। ओके, बीस्पोक 20% कंट्रीब्यूट करता है। प्रॉफिट क्या है इसमें? 75% ग्रॉस प्रॉफिट है, 25% नेट प्रॉफिट। तो कस्टमर कैसे एक्वायर करते हैं आपका शोरूम में? हमारे अलग अलग मॉडल्स हैं, जैसे हमारी खुद की वेबसाइट हमारे बिजनेस का 65% कंट्रीब्यूट करती है। ऑनलाइन खरीदते हैं लोग? जी, हमारा जयपुर में खुद का एक स्टैंड अलोन स्टोर है। उसके अलावा हम 8 5-स्टार होटल से बेचते हैं अपनी घड़िया। हमारे बिजनेस में एक और एलिमेंट है कॉर्पोरेट बिजनेस। कॉर्पोरेट्स के अंदर प्रीमियम कॉर्पोरेट गिफ्टिंग का सेगमेंट है। 150 वॉच करीब आप बेच पाते हैं साल भर में? 150-200 वॉच? हाँ जी, प्रेट कलेक्शन। ये इतनी कम क्यों है? मतलब मैं आपको बताता हूँ कारण क्या है। वॉच मार्केट स्पेशली अगर आप खुद को पोजीशन करना चाह रहे हैं एक लग्जरी वॉच मेकर की तरह, उसके लिए बहुत डीप पॉकेट चाहिए। आपने इथॉस को नहीं अप्रोच किया? इथॉस वॉच कंपनी जो है जैसे दिल्ली में जी, या कपूर एंड सन्स? कपूर एंड सन्स हैं। मैं वॉच रिटेलर्स के पास गया था, मैंने उनको बोला आप हमारी घड़ियां रखिए। उनका ये जवाब था कि हम इंडियन वॉच ब्रांड नहीं रखते, हम तो खाली स्विस में डील करते। ये जो माइंडसेट है ये ब्रेक करने के लिए ही मैंने 5-स्टार होटल्स के थ्रू एंट्री करी। स्केलेबिलिटी के लिए एक चीज जो हम अभी करने जा रहे हैं, हम एक इंस्टेंट बीस्पोक वॉच का कंसेप्ट ला रहे हैं, जिसके अंदर आपको 15 मिनट के अंदर एक कस्टमाइज्ड वॉच हम लाइव ऑफर करेंगे हमारे स्टोर्स के माध्यम से। ये देखिए कितने की घड़ी है ये, हम 55,000 रुपए की घड़ी लॉन्च कर रहे हैं। बट गौरव जी, एक मेरे को ना एक इश्यू आ रहा है इसमें। अगर आप 20,000 वाले कस्टमर को भी बेच रहे हो और वहाँ आप 25,00,000 वाले कस्टमर को भी बेच रहे हो, तो थोड़ा सा ना ब्रांड स्ट्रेटजी में डिफरेंशिएशन आ जाता है कि आप अलग अलग टारगेट कंज्यूमर सेट को थोड़ी पकड़ोगे ऐसे। बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं सर, बट जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना तो सर्वाइवल के लिए ना कई चीजें करनी पड़ती हैं। नॉट इन दिस बिजनेस, नॉट अग्री, नॉट अग्री। जब हमने स्टार्ट किया था, जब हमने स्टार्ट, आई एग्री कि सर्वाइवल इंस्टिंक्ट होनी चाहिए। अब आप जो बात कर रहे हो सर्वाइवल के लिए मैंने घड़ी बेची, बाद में जयपुर कंपनी में शर्ट बेचने लगा, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना? नहीं नहीं बिल्कुल। तो आपने कंफ्यूजन करी अपने ही माइंड में और कंज्यूमर के माइंड में कि आप हो। गौरव जी, मैंने मेरा डिसीजन बना दिया है। ये वॉच इंडस्ट्री में काफी मेरा इंटरेस्ट है, तो इसमें दो किस्म के कस्टमर्स होते हैं। या तो वो जिनको कन्वीनियंस चाहिए, जैसे अमन ने बताया वेरिएबल स्मार्ट वॉच, या तो फिर एक एस्पिरेशनल क्लास होता है, राइट? अभी एस्पिरेशनल क्लास ऐसे होता है जो पैसे बचा 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 के यू नो वो एक ज्वेलरी वो खरीदने की एक चाह रखते हैं, बिकॉज इसमें ईगो एक बहुत बड़ा फैक्टर है जी। तो उसके वजह से स्केलिंग में आप कुछ हद तक बना सकेंगे डेफिनेटली, पर उसमें भी यू नो देयर इज अ लिमिट कि आप कितना स्केल कर पाएंगे, और उस वजह से आई एम आउट। कॉर्पोरेट गिफ्टिंग एंड बिल्डिंग अ लग्जरी ब्रांड, ये दो अलग अलग चीजें हैं जी। मेरे हिसाब से आपको स्टोर्स खोलने चाहिए जी, और थोड़ा सा आप ब्रांडिंग पे और काम कर सकते हैं। आई थिंक अपना जो डिजाइन है, लोगो है, जिस तरीके से लिखा है वॉच पे, कई वॉचेस पे बहुत अच्छे से लिखा है पर कईयों पे वो मुझे काफी वीक लगा, क्योंकि प्रीमियम में ये चीजें मैटर करेंगी डिटेल। पर आज मैं इससे बाहर होना चाहूंगा, बिकॉज पाथ टू बिल्डिंग अ बिग बिजनेस की मुझे क्लैरिटी नहीं आ रही है, बट मैं चाहूंगा कि आप इंडिया से एक लग्जरी ब्रांड बनाएं। तो बेस्ट ऑफ लक, और मैं चाहूंगा कि आप बनाएं और जरूर बनाएंगे। आपने पिछले 9 साल में अभी चलो 2.5 करोड़ का सालाना बिजनेस बना लिया। सर अभी इस साल 4 करोड़ की रन रेट है। चलिए 4 करोड़ का बना लिया, आपकी बात मान लेते हैं, उसमें से आपने 1 करोड़ प्रॉफिट भी बना लिया, लेकिन ये इन्वेस्टेबल कंपनी कहाँ होगी? देखिए सर, मेरी कंपनी स्केलेबल इसलिए है क्योंकि आज जैसे हमने बताया कि हम कॉर्पोरेट बिजनेस में हमारा फोकस हमने लास्ट 1 साल से इंक्रीज किया, हमने देखा है उसके अमेजिंग रिजल्ट्स आने लगे। लेकिन वहां पर एक सुपर लग्जरी ब्रांड नहीं बना पाओगे आप। आई थिंक यू आर वेरी कंफ्यूज्ड। मुझे लगता है ये नाम भी सही नहीं है।
मुझे लगता है आप हो डिजाइनर, आपको नाम रखना चाहिए गौरव मेहता। अगर वो करते हो देन इट कैन बिकम एस्पिरेशनल, आई वॉन्ट टू बाय अ गौरव मेहता वॉच। लेकिन ये एक डिजाइनर का काम है, एक आर्टिस्ट का काम है। आई डोंट थिंक इट्स एन इन्वेस्टेबल कंपनी, एंड इसलिए मैं आज इससे बाहर होना चाहूंगा। बट आई विश यू द बेस्ट, और फाइनल एडवाइस मैं यही दूंगा कि अगर आप ये दो रास्ते लेके चलोगे तो एटलीस्ट वो सुपर लग्जरी को और हाई प्राइस कीजिए, और जो नीचे वाली है उसका नाम अलग रखिए। ठीक है, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। कंपनी की स्ट्रैटेजी मेरे को बहुत क्लियर नहीं लग रही। कभी बी टू बी, जो कि लंपी बिजनेस रहेगा, कभी आएगा ऑर्डर, कभी नहीं आएगा। मेरे को एग्जिट प्रॉब्लम लगता है कि इससे एग्जिट करना बहुत इजी नहीं होगा। पर मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आपके सक्सेस में भारत का सक्सेस होएगा। अगर आप इसको ग्लोबल कोई कंपनी बनाते हैं जयपुर वॉच और अपने अपने शहर का नाम है तो मज़ा आ जाएगा। मतलब आई विल बी द बिगेस्ट शेयर लीडर। तो आज मैं आउट हो जाऊँगा, बट ऑल द बेस्ट, जयपुर का नाम रोशन कर। जयपुर का नहीं, इंडिया का नाम रोशन। ऐसा नहीं है इंडिया से लग्जरी ब्रांड नहीं बने। आई लव ओबेरॉय होटल्स, ताज होटल। अगर वर्ल्ड में कहीं भी होता है ना, मेरे को उससे अच्छी हॉस्पिटैलिटी कहीं नहीं दिखती। तो बन रहे हैं, बनेंगे, बट ब्रांड स्ट्रेटजी पे ना मैं आपकी हेल्प करूंगा। यहाँ नहीं करूंगा, इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा, लेकिन बाहर करूंगा। अगर आपको कभी भी इसके ऊपर डिस्कशन करनी है ना, मैं करूंगा। बन सकता है, बहुत सॉलिड है। थैंक यू सो मच गौरव जी, बाय। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच गौरव, बाय, ऑल द बेस्ट। आइए देखते हैं शार्क एक्सपीरियंस। हाय अमित, आज आपके लिए विशाखापट्टनम से जयंती का सवाल है। शार्क टैंक सीजन 1 काफी बड़ा हिट था। जब आपको पता चला कि आप नए शार्क हो सीजन 2 के, आपका क्या रिएक्शन था और आपने क्या तैयारी की? मैं बहुत एक्साइटेड था क्योंकि मेरे को एक मौका मिल रहा था 15 साल का जो बिजनेस चलाने का विजडम है वो शार्क टैंक पे लाने का। प्रिपरेशन में नहीं करी, सबसे पहले मैंने जाके पिछले सीजन के सारे एपिसोड्स देखे। पिछली बार जो देखे थे उस निगाह से नहीं देखे, अब की बार शार्क की निगाह से देखे। काफ़ी सारे डायमेंशंस में यहाँ बिजनेस आते हैं। ऑब्वियसली इन सब डायमेंशंस के बारे में मैंने पढ़ा डिटेल में शो में आने के पहले, ताकि मेरी नॉलेज हर एरिया में उतनी हो। इंसान जो है ना, उसकी उम्र कभी भी ईयर्स में नहीं आकी जानी चाहिए, उसकी उम्र आकी जानी चाहिए उसने कितना सीखा। ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस वर्सेज एक्सपीरियंसिस पर ईयर। तो ये जो लर्निंग प्रोसेस है, जब तक चलता रहेगा तब तक मज़ा आता रहेगा और अपना एक्सपीरियंसिस पर ईयर बढ़ता रहेगा। तो इस शो के अंदर आने के लिए मैंने जब प्रिपेयर किया तो मुझे लगा यार इस साल तो मैं बहुत साल का सीखा हूँ, तो मैं बहुत ही खुश था।